Assalamu alaikum. AS level. Early session on paper 1. Multiple choice question. May-June 2015. Of course, it's an R paper with 30 multiple choice questions. There is no choice. Let me start the paper. May-June, variant 13. Here we start for the first question. Which of the following should be treated as capital expenditure? This belongs to all of us topic, capital expenditures and revenue expenditures. Capital expenditures are big expenses, big expenditures. For your clarity, I want to explain the basic concepts of capital and revenue expenditures. They are basically your non-current asset, whereas these are your expenses. They are add value to non-current asset, whereas they maintain non-current assets. They maintain non-current assets. They are generally long-term in nature. हर महीने हर साल आपको नहीं करना होता, but you need to do it again and again. They are recurring in nature. बार बार आपको करने पड़ते हैं. Let me see which is the best option. Which item should be treated as capital expenditure? The cost of printer for an existing computer system. Yes, purchasing a computer is a capital expenditure. A is the correct answer. Next, a trader depreciates fixtures and fittings 10% on 1st January. A purchase of a new fixtures 5000 was posted to advertisement account. What was the effect of this error on the trader's capital? Ab capital pe kahan se impact aa gaya sir? दो तरीकों से इसको समझ सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम वन साइड. द प्रॉफिट अफेक्ट्स द कैपिटल. कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है. आपने फिक्स्चर्स परचेज किया था तो एक्सपेंस के अंदर फिक्स्चर्स की डेप्रिसिएशन, यानी 5000 का 10% 500 जाना चाहिए था. आप गलती से एक्सपेंस में पूरा 5000 लेकर चले गए एज एन एडवर्टाइजमेंट समझकर. तो 500 जाना चाहिए था एक्सपेंस, आप 5000 एक्सपेंस ले गए. इसका मतलब 4500 आपने एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए. एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो प्रॉफिट भी, प्रॉफिट क्या हो चुका होगा, कम. प्रॉफिट क्या हो चुका होगा हमारा, कम हो चुका होगा. प्रॉफिट कम होगा तो जाहिर है हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ 4500. सो द प्रॉफिट विल बी अंडर स्टेटेड. Capital will be understated by 4500. Being a non-current asset, only non-current assets ke andar fixtures and fittings jaate, aur expense mein sirf aur sirf एक्सपेंस में सिर्फ और सिर्फ
उसकी डेप्रिसिएशन जानी चाहिए थी, आपने उसकी डेप्रिसिएशन के बजाय पूरे एसेट को ही एडवर्टाइजमेंट में डालकर एक्सपेंस समझ लिया, दैट इज द मिस्टेक. ओके, लेट मी मूव फर्दर. Point number three, again a depreciation question. The topic is depreciation. During the non-current asset, what is the depreciation charge? The examiner is asking depreciation charge for the year. And during the year, a non-current asset cost 92,000 were purchased, and non-current asset with a value of 16,000 were sold. So, इसी से पता लगा लीजिएगा कि क्या करना है. सर जी, आपको नेट बुक वैल्यू का अकाउंट खोलना होगा. इस नेट बुक वैल्यू के अकाउंट से आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे. लेट वी रिवाइज द फॉर्मेट ऑफ दिस अकाउंट. बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, एसेट परचेज, नॉन करंट एसेट परचेज, एसेट डिस्पोज, और जो एसेट डिस्पोज होता है उसकी बुक वैल्यू आती है, और बीच में से हम वो निकाल लेते हैं. वो ही डेप्रिसिएशन. आइए, लेट मी पुट द वैल्यूज इन इट. नाउ ओपनिंग और क्लोजिंग मुझे बुक वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट ही बुक वैल्यू का है. 245,268. परचेज ऑफ अ नॉन करेंट एसेट 92,000. द डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड 16,000. नाउ बड़ी साइट को प्लस करो, छोटी साइट को माइनस. बीच में से हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे. कैलकुलेटर्स चलाइए और मुझे निकाल के दीजिए कि डेप्रिसिएशन इसमें क्या आ रहा है. प्लस 92 माइनस 16 माइनस 268. द आंसर इज 53,000. द आंसर इज 53,000. सी इज द करेक्ट आंसर. प्लीज वेरीफाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे. इट्स अ रिसीवेबल क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट. ये हमारा है ओपनिंग, ये हमारा है क्लोजिंग. रिसीवेबल और प्रोविजन दिए हुए हैं. व्हाट मस्ट बी करेक्ट? द रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज इंक्रीज. द रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज इंक्रीज. डिक्रीज इंक्रीज. अच्छा, तो इसका तरीका सिंपल यही है कि आप प्रोविजन की परसेंटेज कैलकुलेट करके देख लें. कैसे देखें सर? प्रोविजन को ऊपर रखें, रिसीवेबल्स को नीचे रखें, इनटू 100 कीजिए. दोनों सालों की परसेंटेज निकालें. 1386 ओवर 46, 200 इनटू 100, 3%. इसी तरह दूसरे वाले की 1724 डिवाइडेड बाय 43100 इनटू 100. द आंसर इज 4%. दैट मींस क्लियरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज बीन इंक्रीज. पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4. प्रोविजन द रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज इंक्रीज. यही ऑप्शन सही है, दैट इज बी. तो हमने इस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट किया है. आई रिपीट, पहले वाले के लिए 1386 ओवर 46, 200 इनटू 100, और नीचे वाले के लिए 1724 ओवर 43, 100 इनटू 100.
Question number 5. No more in AS. It is to be done in A2, inshallah ta'ala. 2016 ke baad syllabus change ho gaya tha. 16 se jo bhi paper mein aaya hoga, wo sab examinable hai, inshallah. Incomplete records ka question aa gaya sir. Total revenue pooch rahe hain. Summary of the bank statement is given to us. Itne paise receivable ne aapko diye hain. Itni takings hain from cash sales jo bank mein dali hain. The trader took 2000 a month from the taking as drawings. The trade receivable at the end of the year to 9500. What is the total revenue? Total revenue, trade receivable ka account banakar, balance brought down, balance carried down, receipts, aur phir hum yahan se nikalte hain credit sales. ये हमारा सिंपल पैटर्न होता है रिसीवेबल्स बनाने का. अब इन्होंने पहले ही बता दिया था सर, ओपनिंग बैलेंस तो आपके पास है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है 9500. वो रिसीट्स जो क्रेडिट कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक के अंदर डाली है वो 25000 है, और वो पैसे जो कैश सेल्स से बैंक में गए हैं, इसका मतलब मैं कैश अकाउंट बनाकर समझा दूं, कैश और बैंक दोनों. देखो बैंक में पैसे कितने आए थे, एक तो रिसीवेबल ने पैसे दिए थे 25000, और फिर कैश से पैसे बैंक में आए थे दैट इज 82000. तो इस 82000 का इंपैक्ट ऐसे आएगा, दिस इज द अमाउंट डिपॉजिट इनटू द बैंक. ये कैश से क्रेडिट हुआ था, बैंक में डेबिट हुआ था, और रिसीवेबल वाला बैंक में डेबिट हुआ था, रिसीवेबल से क्रेडिट हुआ था. ये डबल एंट्री बच्चों को याद होनी चाहिए, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट. अच्छा ये अब मैं इस 2000 की कहानी समझाता हूं. पूरे साल भर में 2000 रुपए पर मंथ उसने कैश निकाला है. From the taking का मतलब यही है कि cash से निकाला है. 2000 multiply by 24000 उसने withdraw किए हैं. 24000 ये drawings हैं. तो इस वक्त हमारे पास दो तरह की sales आ रही हैं. एक cash sales जो cash account से निकलेगी, एक क्रेडिट सेल्स जो रिसीवेबल अकाउंट से निकलेगी. कैलकुलेटर्स चलाइए और हमें टोटल बताइए. अब टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हम इसको प्लस कर लेंगे. $140,500, that is delta is the correct answer. अच्छा सवाल था. Incomplete records already interesting topic है बहुत. A business uses FCO method for inventory valuation. Average cost per unit calculated. A business uses FCO method in inventory valuation. When is the average? When is the average cost per unit calculated? Whenever new purchase is made, whenever new purchase or new goods received in the business in inventory or go down. Go down में जब भी नया माल आएगा तब आप inventory निकालोगे.
When cost price decrease? No. When cost price increase? No. When units are issued? No. When units are received? Yes. एफको के अंदर जब भी नया माल आता है इन्वेंट्री का रेट रिवाइज हो जाता है. कैसे निकालते थे एवरेज का रेट? एवरेज रेट हम कैसे निकालते थे? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी या यूनिट्स. पुराने वाले को नए वाले में प्लस करके नया रेट निकालते थे. नंबर एट, अ बिजनेस मेक कंट्रोल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहीं पे समझा देता हूं. व्हेन कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम देन डबल एंट्रीज आर पास्ड, देन डबल एंट्रीज आर पास विथ कंट्रोल अकाउंट and not with individual ledgers. Individual ledgers से double entry नहीं बनती, control account से double entries बनती हैं. What is the error of suspense account? Suspense account की mistake बता दें. दोनों को mix कर दिया इसने. A page of total purchases journal was posted as itna rather than itna. It affect both. It affect both. मतलब debit और credit दोनों पे impact आएगा तो suspense account नहीं आएगा. Suspense account कब आता है? जब एक account में लिखा हो दूसरे account में नहीं लिखा हो, या एक अमाउंट में एक साइड पर कोई और अमाउंट लिखी हो दूसरी साइड पर कोई और अमाउंट लिखी हो, या किसी भी बुक का टोटल गलत लिख दिया हो, बुक का टोटल गलत लिख दिया हो. कैरेज आउटवर्ड इज क्रेडिटेड टू द कैरेज आउटवर्ड अकाउंट was correctly entered in the cash book. लो भाई, confirm suspense आएगा. B के अंदर suspense आ रहा है सर. How? आइए मैं सही कर देता हूं. कैरेज आउटवर्ड की नॉर्मल एंट्री बनती है कैरेज आउटवर्ड्स डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट. एग्रीड. अब इन्होंने गलती क्या की है? हमने कैरेज आउटवर्ड को क्रेडिट कर दिया कैरेज आउटवर्ड में, और कैश बुक में बिल्कुल सही लिखा है, यानी बैंक में बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही क्रेडिट हुआ है. इसके अंदर बैंक तो बिल्कुल सही है, गलत कौन है? कैरेज आउटवर्ड डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया. डबल से डेबिट करेंगे और क्रेडिट कुछ भी नहीं है. जहां कुछ नहीं होता वहां सस्पेंस होता है. तो इस ब्रावो में सस्पेंस आ रहा है. नंबर नाइन, इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड 375 ट्रीटेड एज अ प्रीपेड. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट? इस तरह के जब भी एरर आए आप लिखा करें, लिख के समझा करें. इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड थी, आपको पता है एक्सपेंस अगर अक्रूड हो तो एक्सपेंस में ऐड हो जाता है, एक्सपेंस बढ़ जाता है. आपने गलती से बढ़ाने के बजाय प्रीपेड समझ लिया, यानी एक्सपेंस प्लस करने के बजाय एक्सपेंस आपने माइनस कर दिए. आई रिपीट, पहले मैं एरर समझा रहा हूं. देखें, होना यह चाहिए था कि हम इसको अक्रूड एक्सपेंस लिखते, अक्रूड एक्सपेंस करते तो हमें एक्सपेंसेस में 375 बढ़ाना पड़ता और प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता. एग्रीड. लेकिन अभी गलती क्या हुई है? आपने एक्सपेंसेस में प्लस करने के बजाय एक्सपेंसेस को कम कर दिया और अपने प्रॉफिट को आपने गलती से ज्यादा बढ़ा दिया. प्रॉफिट माइनस कर हो जाना चाहिए था, प्लस कर दिया तो ये इंपैक्ट डबल हो गया, 375
375 के बजाय अभी इंपैक्ट 750 का हो गया, प्रॉफिट आपका माइनस नहीं किया प्लस कर दिया, तो 750 से आपने ओवर कर दिया, 750 से आपने ओवर कर दिया। आई रिपीट, एक्सपेंस करना था, इस एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड ना करके प्रॉफिट माइनस नहीं किया बल्कि बढ़ा दिया, तो इंपैक्ट जो है वो डबल हो गया है, प्रॉफिट आपका ओवर हो गया है विद 750। नेक्स्ट, रेंट अकाउंट बनाने को कहा है, इसमें अक्रूड और प्रीपेड मिक्स है, मैं आपको समझा देता हूं। आइए रिवाइज कर लेते हैं, प्रीपेड ब्रॉट डाउन, प्रीपेड कैरिड डाउन, अक्रूअल ब्रॉट डाउन, अक्रूअल कैरिड डाउन, अमाउंट पेड। नाउ बड़ी साइट को प्लस करो, छोटी साइट को माइनस। तो ओपनिंग में हमारे पास 1400 प्रीपेड था, फिर पेड अमाउंट आ रही है और एंडिंग के अंदर अक्रूड है, एंडिंग का अक्रूड डेबिट पर आता है 800। अब बताइए एक्सपेंस अमाउंट क्या होगी, अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट क्या होगी। 16100 आ रहा है मेरे पास, आप भी कैलकुलेटर से कर लें, सर ने विदाउट कैलकुलेटर किया है। क्वेश्चन नंबर 10, यस डी इज द करेक्ट आंसर। Now the examiner is asking what was the capital account balance at start. These are the assets and liabilities at start. आपको पता है accounting equation के अंदर capital अगर आपको निकालना हो तो assets minus liabilities कर देते हैं, assets minus liabilities कर देते हैं। आइए, मोटर व्हीकल्स 2500 एसेट है, इन्वेंट्री 4000 की है लेकिन वैल्यू इसकी 5800 है, तो हम लोअर वैल्यू लेते हैं। इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो लोअर वाली वैल्यू 4000 लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, माइनस होगा। लोन टू अ फ्रेंड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, हमने बैंक अकाउंट को फ्रेंड को हमने लोन दे दिया, तो ये हमारा एसेट बन गया। कैलकुलेटर्स आंसर निकाल लीजिए, हमने लोन दिया है तो हमें वापस आएगा, तो हमारा एसेट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इज 7000, ब्रावो इज द करेक्ट आंसर। 12, अगेन डेप्रिसिएशन से रिलेवेंट क्वेश्चन, अ बिजनेस बाय अ नॉन करेंट एसेट डिसाइड टू अप्लाई स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके, द अकाउंटेंट फॉरगेट to include estimated scrap value in calculation. Formula hota hai cost minus scrap value upon life. Agar aapne aisa nahi kiya, aapne cost upon life kar diya. Agreed? Cost upon life kar diya. To depreciation ka jo answer aayega, wo zyada aayega. डेप्रिसिएशन का आंसर आपका क्या आएगा, ज्यादा, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज हाई, एग्रीड, डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा तो टोटल डेप्रिसिएशन डिस्पोजल करते वक्त टोटल डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी। तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही होगा ना। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब जब हम यू अकाउंट बनाएंगे, कॉस्ट यहां पर होता है, डेप्रिसिएशन यहां पर होती है और कैश यहां पर आ गया, तो क्रेडिट साइड हैवी हो जाएगी, क्रेडिट साइड आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी।
और अगर ये हाई हो गई तो इस तरफ आ जाएगा आपका गेन या प्रॉफिट। लॉजिकल क्वेश्चन है, दोबारा समझ लें। अगर आप हर साल डेप्रिसिएशन ज्यादा 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 करते गए, कॉस्ट तो एज इट इज है, जिस प्राइस पे बेचा कैश पर वो भी एज इट इज है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गलती से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हाई हो गई, जिसकी वजह से क्रेडिट साइड हैवी हो जाएगी और आपका डेबिट साइड शॉर्ट होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। फोर, वन एंड फोर इज द करेक्ट आंसर। 13, व्हाट विल इंक्रीज द प्रॉफिट, व्हाट विल इंक्रीज द प्रॉफिट, इंक्रीज डेप्रिसिएशन रेट, इट विल इंक्रीज द एक्सपेंस, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। रॉन्ग आंसर। 11 का, 13 का ए नहीं हो सकता। इंक्रीज जनरल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व बढ़ेंगे रिटेन प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल इंक्रीज एक्सपेंस। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यस, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ेगी किसी भी किस्म की हो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ऑल्दो अब वर्क इन प्रोग्रेस हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होता है, इंशाल्लाह A2 में पढ़ेंगे। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स अप्लाई इट इफ पार्टनर्स डू नॉट ड्रॉ अप अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैं पूरा लिख देता हूं, अगर अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना बनाया हो तो क्या करते हैं भाई। नंबर वन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरीज ऑफ द पार्टनर्स, प्रॉफिट और लॉस शेयर इक्वली, If partner provide loan, then 5% interest on loan from partner. अब आप बताएं इनमें से कोई कोई भी बात आपको मिल रही है तो वो ले लें। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 5%, नो। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर 8%, नो। पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, यस। पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं भाई। Adil and Bashir, question number 15. C is going to join. This was the old ratio, now the new ratio. What they are asking? What is the Adil's balance after reducing the new partner? Goodwill was valued 36,000 and is not to be retained. Iska matlab raise bhi karenge, एलिमिनेट भी करेंगे। मैं समझाने के लिए कैपिटल अकाउंट बना देता हूं आपको, जस्ट फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज ये शॉर्ट भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि टॉपिक को क्लियर करते हुए चलूं ताकि इस तरह के जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो सब आपसे सॉल्व हो जाए। ब्रॉट डाउन 20, 10, हमें गुडविल की बात करनी है, तो गुडविल रेज भी करेंगे, एलिमिनेट भी करेंगे, उसके बाद कैरेट डाउन निकाल लेंगे। ये नहीं बताया हुआ कि सी क्या लेके आएगा, सी जो भी कैश या बैंक लेके आएगा वो यहां पर क्रेडिट हो जाता है। गुडविल इज 36,000, रेज और एलिमिनेट की एंट्रीज अगर आपको याद है, गुडविल रेज इन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी एंड एलिमिनेट बिटवीन ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर एज पर न्यू रेशो। The old ratio was 2/3 and 1/3 and new ratio 3/6, 2/6 and 1/6. Calculators. Twenty-four and twelve. Thirty-six he raise hoga, thirty-six he eliminate hoga. इसका मतलब रेस करेंगे हम 24 एंड 6 एलिमिनेट करते वक्त 18, 12,
सिक्स, आपको सिर्फ ए का निकालना है, ए का कैरी डाउन निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बड़ी साइड को प्लस करो छोटी साइड को माइनस, 26,000 आ रहा है। ब्रावो इज द करेक्ट आंसर। तो मैं रिवाइज करवाना चाह रहा था कैपिटल अकाउंट और गुडविल रेव एंड एलिमिनेट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ 13 एसेट्स एंड लायबिलिटीज जीवी एक्युमुलेटेड फंड, नो मोर इन सिलेबस, विल स्टडी इन ए टू, सब्सक्रिप्शन विल स्टडी इन ए टू। अ कंपनी इशू 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 1 एट अ प्रीमियम ऑफ 2, द मार्केट वैल्यू इज 4, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? देर इज नो यूज ऑफ मार्केट वैल्यू, नंबर 1, देर इज नो यूज ऑफ मार्केट वैल्यू एंड 1 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। प्रीमियम इज अ कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम इज अ कैपिटल रिजर्व। तो अगर मैं 2-1 लाख शेयर इशू कर रहा हूं एक वाले, लेकिन उसमें प्रीमियम कितना है 2, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 इज 200,000 विल बी द शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व्स विल इंक्रीज। कंपनी इशू 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 1 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 लाख रिजर्व विल इंक्रीज बाय 2 लाख। यस इट इज करेक्ट। फंड्स अवेलेबल विल इंक्रीज बाय 3 लाख। मैं इसकी कंप्लीट डबल एंट्री बना देता हूं आपको। ये है शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 लाख। टोटल बैंक वैल्यू 3 लाख। व्हेनेवर शेयर्स आर इश्यूड The double entry is bank debit, share capital and share premium credit. याद रखिएगा, shares par value पे भी issue हो सकता है, share par value से ज्यादा पे भी issue हो सकता है, लेकिन share capital हमेशा par value पे record होता है। जितनी भी extra amount होती है वो share premium में जाती है, जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, एक्सेस अमाउंट होती है, वो शेयर प्रीमियम में जाती है। लेकिन टोटल पैसे हमें कितने आए हैं, कंपनी के पास पैसा कितना आया है 300,000। कैपिटल रिजर्व, दिस इज वन ऑफ द कैपिटल रिजर्व, ये बात सही है। फंड अवेलेबल 3 लाख, ये भी सही है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज बाय 1 लाख, ये भी बात सही है। ये तीनों बातें सही है। रेवेन्यू रिजर्व डिक्रीज बाय 4 लाख, नो सर ये बात सही नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर है, नॉट पूछा है एग्जामिनर ने। बिजनेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो मैं बच्चों को रॉ मटेरियल वगैरह से ना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। आगे आ जाए। अ ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स? तो पहले तो आप इन तीन की मदद से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लें, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। कैलकुलेटर्स, कोशिश कीजिएगा लंबी ना करनी पड़े ज्यादा। 58440, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है। तो जो बच्चे मेरे हैं उनको जानते हैं कि सर मार्जिन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आई। सो कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी गिवन, सॉरी मार्जिन का फॉर्मूला लगाना है, ये मार्कअप का था। मार्जिन का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आई।
मैं आपको रिवीजन के लिए दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए. मार्कअप का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू सी इनटू वन प्लस आई, दिस इज मार्कअप, वेयर एज मार्जिन इज सी इज इक्वल टू एस इनटू वन माइनस आई. ये दोनों फॉर्मूले जिनको याद ना हो प्लीज वो रिवाइज कर ले. तो मैं मार्जिन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सी इज इक्वल टू एस इंटू वन माइनस आई. जी क्लास, सी की जगह लिख दूंगा मैं 58440 इज इक्वल टू एस इंटू 0.75. 25% है तो 0.25 हो जाएगा, 1 में से माइनस करूंगा तो 0.75. ये मल्टीप्लाई हो रहा है एस से, यहां आके डिवाइड हो जाएगा. सो 58440 ओवर 0.75, दिस इज अ फाइनल आंसर. कैलकुलेटर्स प्लीज कंफर्म करें, मेरे पास 77920 आ रहा है, दैट इज ब्रावो. नाउ 20, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर. तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री. तो सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ सेल सही कैलकुलेट हुआ है, चेक कर लीजिएगा इसको, होशियारी करते हैं कभी कभी एग्जामिनर. यस सर, कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू बिल्कुल सही है. अब आपको सिंपल एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री. 20,000. कैलकुलेटर्स आंसर निकाल लीजिए, 5.5 इज द करेक्ट आंसर. 5.5 टाइम्स सी इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. 21, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर पहले साल का 10 था, दूसरे साल का 8 है, सेलिंग प्राइस वुड रिमेन कॉन्स्टेंट. क्या रीजन होता है इन्वेंट्री रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर कमाने का, चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. इट शोज द पेस पेस ऑफ इन्वेंट्री, कितनी या पेस ऑफ सेलिंग इन्वेंट्री. अगर कम हुआ है स्लो कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू सेल, अच्छा दूसरा रीजन इसका ये भी हो सकता है कि होल्डिंग टू मच इन्वेंट्री. कंपेयर टू द लास्ट ईयर कंपेयर टू द लास्ट ईयर. सो अब आप करेक्ट ऑप्शन खुद चूज कर लें, क्या होना चाहिए. इन्वेंट्री डिक्रीज, मैं कह रहा हूँ इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है, ये कह रहा है डिक्रीज. नो सर, इन्वेंट्री हैज इंक्रीज. यस सर, प्रॉफिट मार्जिन ऑन अ कॉन्स्टेंट लेवल हैज डिक्रीज. इन्वेंट्री का ताल्लुक प्रॉफिट मार्जिन से क्या है. प्रॉफिट मार्जिन ऑन अ कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ सेल्स हैज डिक्रीज्ड, प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ सेल हैज इंक्रीज्ड. तो कन्वर्जन स्लो है, मैंने कहा है आपको प्रॉफिट मार्जिन का कंपैरिजन इन्वेंट्री से क्या होगा. तो सर अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ा दूं तो सेल मेरी कम हो जाएगी, एग्री करते हैं. तो वही स्लो कन्वर्जन मुझे बताना है, माल कम सेल हो रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन ऑन अ कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ सेल हैज इंक्रीज्ड. अपना प्रॉफिट लेवल उसने क्या, प्रॉफिट मार्जिन क्या कर दिया, बढ़ा दिया.
तो आपका इन्वेंट्री कम सेल होगी। अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, सिंपल बात है, अगर आप सेलिंग प्राइस अपनी बढ़ा दो तो उससे क्या होगा, सेलिंग प्राइस अगर मैं अपनी खैर इसमें सेलिंग प्राइस वो चेंज नहीं कर रहा, इसलिए कह रहे प्रॉफिट मार्जिन तो कॉन्स्टेंट है, सेल बढ़ गई है हमारी। आज 22 द ब्रेक इवन चार्ट इज गिवन टू अस, व्हाट एक्स वाई रिप्रेजेंट। आप सबको पता है क्या, बच्चों वाले सवाल दे दिए उठा के इन्होंने। ये आपका फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है, इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगी टोटल कॉस्ट। सिंपल क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, ये ए इज अ करेक्ट आंसर। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग स्पेसिफिक ऑर्डर जब रिसीव होता है टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड तो वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहलाती है। तो इनमें से कौन सा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम चलता है, केमिकल प्लांट, रिटेल ऑफ फूड, शिप बिल्डर्स यार्ड, होलसेलर ऑफ कार पार्ट्स। अब ये चीज कौन सी चीज स्पेसिफिक ऑर्डर पे तैयार होती है ये देख लो, रिटेलर स्पेसिफिक ऑर्डर पे नहीं होता, होलसेल कार पार्ट भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, केमिकल प्लांट भी स्पेसिफिक टू द रिक्वायरमेंट नहीं बनाया जाता, वो बनाया जा रहा होता है। शिप बिल्डर्स यार्ड, ये शिप बिल्डर्स यार्ड है जहां पर रिक्वायरमेंट आएगी शिप बनाने की तो ये बनाएंगे, स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर काम होता है। जस्ट लाइक ज्वेलरी शॉप, स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर काम होता है। विच कॉस्ट रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज अपोर्शन्ड बिटवीन इट्स कॉस्ट सेंटर्स, which cost relating to our manufacturing business is apportioned between cost centers. Cost centers अगर किसी के disturbance है तो बता दूं, departments को कहते हैं where cost is incurred. Cost centers are the department where cost are incurred. Depreciation of motor vehicle, factory power, finance cost, रॉ मटीरियल। अच्छा ये जो है ना, ये सेलिंग एक्सपेंस है, उसने भी मैन्युफैक्चरिंग की बात की है। फाइनेंस कॉस्ट भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि ओवरहेड्स के बाद आता है, एक्सपेंस के बाद आता है। रॉ मटीरियल ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, ये आपको याद होगा, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जो अपोर्शन होते हैं ओवरहेड्स, ओवरहेड्स ही अपोर्शन होते हैं। तो ये तीनों चीजें नहीं आएंगी इसके अंदर, कौन सी चीज आएगी, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री पावर इज टू बी डिवाइडेड अपोर्शन बिटवीन कॉस्ट सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 25, अ कंपनी एब्जॉर्ब्स ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स विच आर बजटेड एट 11,250। ये मशीन आवर्स दिए हुए हैं, बजटेड, बजटेड ओवरहेड दिए हुए हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एक्चुअल आवर्स, अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालना है। आइए फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। एब्जॉर्ब का फॉर्मूला ओ ए आर इनटू एक्चुअल एक्टिविटी। अच्छा अब आपको ओ ए आर का फॉर्मूला भूला हुआ तो नहीं है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो पहले हम इस इन्हें यूज करेंगे, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी
इनको डिवाइड करके पहले ओ ए आर का रेट आएगा, टू एट वन टू फाइव जीरो ओवर वन वन टू फाइव जीरो, 25 आ गया ओ ए आर, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी, फिर इसको माइनस करेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स। ठीक है मेरा बेटा, तो पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि बजटेड इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है और एक्चुअल इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है। ठीक, तो इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। नाउ 25 मल्टीप्लाई बाय 10980, 274500। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस में आ रहा है 2150, माइनस में आपके पास आंसर आ रहा है ओवर विल बी प्लस अंडर विल बी माइनस। मैंने हमेशा ऐसे ही ये कराया है, अंडर ओवर एब्जॉर्ब, करेक्ट ऑप्शन, ब्रावो, ही आ रहा है। आगे चलें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, व्हाट डेप्रिशिएट्स, व्हाट डिस्क्राइब्स द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाई चाहे रिड्यूसिंग हो या स्ट्रेट लाइन हो, डेप्रिसिएशन होता फिक्स कॉस्ट ही है, याद रखिएगा, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, वो मेथड का डिफरेंशिएशन है, लेकिन डेप्रिसिएशन खुद हमेशा फिक्स कॉस्ट ही कहलाएगी, चेंज नहीं हो जाएगी। अमेरिकन 10,000 एंड सेल 8,000, 30 इज द सेलिंग प्राइस, द कंपनी यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सब चीजें ली जाएंगी, ये नहीं लिया जाएगा। ओके, सो पहले आप कॉस्ट पर यूनिट निकालें, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इस तरह पहले हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, कैलकुलेटर्स वैल्यू निकालें, 1,80,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, आपका आंसर आएगा 18 पर यूनिट। अब आप देखें आपकी क्लोथिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोथिंग इन्वेंट्री 10,000 प्रोड्यूस करके आपने 8,000 बेचा है, इसका मतलब आपके पास 2,000 यूनिट बचा हुआ है। अब इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 18, 36,000 डॉलर्स। सो ब्रावो इज द करेक्ट आंसर। अगर ये हमारा एब्जॉर्प्शन था जिसमें ऑल ओवरहेड शामिल है, इसमें वेरिएबल भी होंगे प्लस फिक्स्ड भी होंगे, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सब शामिल होता है। ये कॉस्ट क्यों नहीं शामिल की, हमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी होती है बेटा इन्वेंट्री में। ओएआर निकलवा रहा है, ओएआर का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर, बजटेड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड, ये क्या चेक करना चाह रहा है हमें। बजटेड ही कॉस्ट लेते हैं इसके अंदर, एक्चुअल का क्या काम है इसमें। हम इसमें बजटेड ही कंसीडर किए जाते हैं, 16,500 ओवर 26,200, 6.3549।
ये आंसर आ रहा है हमारा पर डायरेक्ट लेबर आर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. खामखा की समझदारी. 29 ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. आइए जी ब्रेक इवन. ज़ाहिर डॉलर में निकालना है. फॉर्मूला सर फिक्स कॉस्ट अपॉन सी एस. तो फिक्स कॉस्ट 80,000 हो गई डिवाइडेड बाय सी एस. सी एस के लिए पहले आपको कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना होगा और कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख. सो 1 लाख ऊपर आ जाएगा सेल्स नीचे आ जाएंगी इनटू 100. कैलकुलेटर्स. फोर्टी परसेंट सॉल्व कीजिए इसको. टू लैक्स सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ 30 द लास्ट क्वेश्चन. बजटेड कैश बैलेंस क्या होगा. $570 आपका ओपनिंग बैलेंस था. ये कैश बजट भी अब हमारे पास रहा नहीं है. लेकिन आप इसे कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ आपको कैश या बैंक की मूवमेंट देखनी है. $570 डेबिट है फिर पेमेंट हो रही है 39,400. उसके बाद कलेक्शंस हो रही हैं. नाउ आफ्टर दिस यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस 109,420. दैट इज ब्रावो इज द करेक्ट आंसर. ओके माय डियर्स दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर. दैट इज मई जून 15 वेरिएंट 13 आज हमने कंप्लीट किया. सो योर टास्क इज रिवाइज all 2015 P1 variants, all variants, and start 2016 11. Thank you very much. Allah Hafiz.